जहाँपना आप जहाँपना की जय हो। जहाँपना माफी चाहते हैं देरी के लिए। जहाँपना आज आप जल्दी आ गए। हाँ तो हमारा महल है, हमारा दरबार है, हम जब चाहे आए जब चाहे जाएं, कोई तकलीफ है? माफ कीजिए। ए वासु, तूने कभी सफेद कौवा देखा है? ए वैसा? जब होता ही नहीं है तो देखेगा क्या? कहाँ दिखा कौवा बता मुझे। अरे अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आज आप इतनी जल्दी यहाँ? हाँ बस 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 बस, आप लोगों की बेफिजूल बेतुकी बेकार की बातों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोग अपना तशरीफ का टोकरा जरा रखिए। बीरबल, अब हमें बताइए कि क्या हमारे दरबार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी जाबर। बहुत खूब, तो हम आप लोगों को ये इत्तला करना चाहते हैं कि आज कुछ ही क्षणों में हमारे दरबार में पूरब के सबसे बड़े राजा महाराज पृथ्वीराज सिंह पधारने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़े राजा हैं तो इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पर हमारे साथ सीमा, व्यापार और दुनिया में शांति बनी रहे ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने आ रहे हैं। वो आ गए झपना झपना, वो आ गए राजा पृथ्वीराज सिंह जी, आ गए झपना, वो आ गए, देखो देखो वो आ गए। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, सात नदियों दो समंदर, 7,000 हाथी, 70,000 घोड़े, 7,00,000 सैनिकों की फौज के मालिक, राजाओं के राजा धुरंधर सिकंदर भयंकर महाराजा पृथ्वीराज सिंह पधार रहे। बादशाह अकबर को हमारा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप महाराज पृथ्वीराज सिंह जी के पोते होंगे, कहाँ हैं आपके दादा हुजूर, दिखाई नहीं दे रहे? बादशाह अकबर, हम ही हैं राजा पृथ्वीराज सिंह। जी हाँ जी हाँ, आप ही हैं महाराज पृथ्वीराज सिंह, जो हमारे साथ दुनिया में शांति कायम रहे इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। सही फरमाया आपने, हम ऐसे ही कई गंभीर विषय पर वार्ता करने आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा हम बेटा नहीं, हमें महाराज पृथ्वीराज सिंह बोलिए, वरना हमारे मामा श्री सूर्य प्रताप सिंह और हमारे सलाहकार तेनाली अपमानित महसूस करेंगे। महाराजा पृथ्वीराज सिंह जी, देखिए जापना का इरादा आपको अपमानित करने का कतई नहीं था, हम क्षमा चाहते हैं। जापना, हाँ हाँ हाँ, आप लोग सब खड़े क्यों हैं? आप लोग तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए, सबके सब तशरीफ रखिए। महाराजा पृथ्वीराज सिंह जी, हम बीरबल जापना के सलाहकार। बात यह है कि जापना को आपसे बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है, कह के आप बच्चे हैं और ये मसला बड़ों का है। माफ कीजिए बीरबल जी, आप बार बार हमारे राजा साहब को बच्चा बोलकर उनकी समझ और अकल को कमता किए। शायद ही आपके दरबार में कोई ऐसा हो जो उनके साथ वो कर सके, वो क्या कहते हैं उसे, मू 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 मुकाबला कर सके, मुकाबला कर सके, मुकाबला मुकाबला। लेकिन माफी चाहेंगे, हम बच्चों से मुकाबला नहीं करते। जापना, आप हमारी काबिलियत पर बार बार शक कर रहे हैं, अब तो हमें मुकाबला करना ही होगा। आप हमसे कोई भी पहेली या सवाल पूछिए, अगर हमने उसका सही जवाब दिया तो आपको अपनी राजगद्दी हमें देनी होगी। उसके उपरांत आपको अपनी राजगद्दी तभी वापस मिलेगी जब आप हमारी दी हुई पहेली का हल निकालेंगे।
हमें पूरा यकीन है कि जीतेंगे तो हम ही, लेकिन फिर भी आपकी ये शर्त हमें मंजूर है। इतनी छोटी सी उम्र में आपका ये आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। लेकिन शायद आप जानते नहीं कि ये कौन है। इनके पास हर मुश्किल का हल है। बीरबल है ये, बीरबल। तो देर किस बात की, आज ही हो जाए फैसला कि आपके बीरबल में ज्यादा अक्कल है या हम में। ठीक है, कठिन पहेली पूछे बीरबल, बहुत कठिन पहेली, ताकि ये मसला यहीं खत्म हो जाए। मुझे पूछिए। हाँ तो महाराज पृथ्वीराज जी, तो बताइए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे सुनकर एक खुश आदमी दुखी और दुखी आदमी खुश हो जाए। बताइए बताइए। हम अपने सलाहकार की सलाह लेंगे। तेनाली, ये कोई बच्चों का खेल होगा। ये कोई खेल नहीं है जापना, ये कठपुतली हमारी सलाहकार है, ये बोलती है और इससे आपकी पहेली का जवाब भी दे दिया है। और इस पहेली का जवाब है, ये समय बीत जाएगा। ये जवाब तो सही है, क्योंकि अगर किसी खुश इंसान से कहा जाए कि ये समय बीत जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, और किसी दुखी इंसान से कहा जाए कि ये समय बीत जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। ये सही जवाब है। तो बादशाह अकबर, आप अपनी राजगद्दी खाली कर दीजिए। सुंदर तख्त है। अब आप हमारी पहेली का हल निकालेंगे। ये लीजिए लीजिए। ये क्या है? ये इसके अंदर रेत और शक्कर का मिश्रण है। हम चाहते हैं कि आप इन दोनों को अलग अलग करें, वो भी बिना पानी के इस्तेमाल किए हुए। जापना, हमें इस पहेली का हल ढूंढने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो शर्त के अनुसार जब तक आप हमारी पहेली का हल नहीं निकालते तब तक हम इस राजगद्दी पर विराजमान रहेंगे। राजगद्दी का मतलब हम यहाँ के राजा है। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। ये रहते हैं। ऐसे एक एक कण हटाते हटाते हम तो बुड्ढे हो जाएंगे, तब भी इस रेत को शक्कर से अलग नहीं कर पाएंगे। अनारकली जी, हो जाएगा, करिए ना।
अब्बा हुजूर ने कहा था कि जो भी रेत को शक्कर से सबसे पहले अलग करेगा उसको अब्बा हुजूर इनाम देंगे। हो जाएगा, करिए ना। सही कहा आपने। और फिर उस इनाम से अनारकली और मैं अपना घर बसा लेंगे, अगर नहीं। हम ये नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे नाखूनों में रेत घुस गई है, हम इन्हें साफ करने जा रहे हैं। ए वासु, ये जो तेरे गले में मोतियों की माला है, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ सलीम भाई साहब, ये वही माला है जो आपने दी थी। आप ही की तो है। वो चमेली दासी को मैंने देनी थी ना। वासु, हमारी माला। हमारी नींद खराब करने की सजा मिलेगी तुम दोनों को। अभी क्या, अभी मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बीरबल, इस समय हम आपसे बातें नहीं कर सकते। हमारे पीछे सिपाही पड़े हैं। सिपाही? अरे जापना, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पीछे सिपाही क्यों पड़े? हमारे पीछे सिपाही इसलिए पड़े क्योंकि इस वक्त हम चोर हैं। चोर? अरे जापना, आप चोर क्यों हैं? बीरबल, देखिए आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे वो छोटे से राजा पृथ्वीराज सुबह से हमारे साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं और इस वक्त हम चोर बने हुए हैं। बीरबल, जल्द से जल्द उस रेत और शक्कर को किसी तरह अलग कीजिए। इसका कोई हल निकालिए, वरना बड़ी तकलीफ हो जाएगी, आप समझिए। जापना जापना, भागिए, सिपाही इस तरफ से आ रहे हैं। इस तरफ से? हाँ, इस तरफ से। आप तो इधर चलिए चलिए। चारों ओर से घेर लिया है। पर भाई, अब तुम दोनों चोरों को सजा मिलेगी। तेनाली हमारे सलाहकार, आप भी बताइए इन चोरों को क्या सजा मिलेगी। सोच लिया है आप दोनों चोरों की ये सजा है कि आप दोनों को इस घर के चक्कर लगाने होंगे। हमारे इस महल के चक्कर लगाने होंगे? ये महल तो बहुत बड़ा है, हम कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम चक्कर लगाते हैं। लगाते जाइए। आ हा हा, खाना देखकर ही मजा आ गया। सुबह से दौड़ रहे हैं ना, इसलिए भूख सी लग गई। 1000 चूहे। नहीं नहीं है, नहीं, हमारे पेट में उधम सा मचा रहे हैं। चलिए खाना शुरू करें। छी, ये क्या बना है? लौकी और करेले की सब्जी। खान समा कहाँ है? हुजूर, हम यहाँ हैं। तड़का लगा के ये क्या खाना बना है? ये कोई सब्जी है? हमें ये दोनों की दोनों सब्जी नहीं पसंद है, हमें कत्तल की सब्जी चाहिए और वो भी अभी के अभी। जहाँ पना, महल में तो कटहल नहीं है, बहुत दूर जाकर लाना पड़ेगा, वो भी सुबह मिलेगा। तड़का लगा के हमें नहीं पता, हमें कत्तल की सब्जी ही चाहिए। हम उसके लिए सुबह तक भी भूखे रह लेंगे और जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक कोई और भी नहीं खाएगा। जापना, दास, तुम्हारी ये जुरत, जापना के बिस्तर पे सो रहे हो? ओहो बीरबल, अच्छा हुआ आप आ गए। तुम हमें हमारे नाम से पुकारे? बीरबल क्या कहते जा रहे हैं आप? वाह बीरबल वाह, अगर आप हमें इस भेस में नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दुनिया का कोई आदमी हमें नहीं पकड़ पाएगा, ये तो अच्छा है। जापना माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं।
लेकिन आप दास के भेष में क्यों? अब हम क्या करें बीरबल, हम इसी भेष में रहेंगे जब तक आप शक्कर से रेत अलग नहीं कर देते। अरे उस बच्चे पृथ्वीराज सिंह ने हमारी नाक में दम कर रखा है बीरबल, ना हमें खाना खाने देते हैं, ना बैठने देते हैं, ना सोने देते हैं, दिन में हमें चोर बना देते हैं, रात में हमें सिपाही बना देते हैं। हम करें तो क्या करें, दिन में हम भागते रहते हैं, रात को हम जागते रहते हैं। छापना, हम जल्दी इस पहेली का हल ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक हैरतअंगेज बात आपको बतानी थी। हैरतअंगेज बात? कौन सी बात? झापना, ये जो राजा पृथ्वीराज है, कठपुतली से बातें करते रहते हैं, ये हमें पहले से ही अटपटा लग रहा था, इसलिए हमने उनके कमरे में पर्दे के पीछे एक दास को छुपा रखा था, और उस दास ने हमें बताया कि कठपुतली बोलती है। क्या कह रहे हैं आप बीरबल, कठपुतली कैसे बोल सकती है? हमें भी अजीब लग रहा है झापना, हम इस बात की तफ्तीश करेंगे, लेकिन जब तक हम कुछ पता ना लगा लें तब तक आप दास ही बने रहिए। पता नहीं ये राजा पृथ्वीराज और आपसे क्या क्या करवाएंगे। वो तो है बीरबल, लेकिन आप तफ्तीश कीजिए, लेकिन सबसे पहले रेत और शक्कर को अलग कीजिए किसी तरह, ना पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। जी झापना। सेवक इधर आओ हमारे कक्ष में। जी झापना, अभी आए। जल्दी। झापना। हाँ बोलिए। बोलिए झापना, सुन रहे हैं। बादशाह अकबर किसी जरूरी काम से राज्य के दौरे पर गए हैं, अब चोर सिर्फ बलदेव जी बचे। चोर की टोली में आपको कुछ और चोर शामिल करने होंगे, तब जाके आपको खेल में मजा आएगा। उतर उतर। सब मजा आएगा। तेनाली जी, आप ही बताइए हमें किसको भर्ती करना चाहिए? सेवक, आप थोड़ा दूर खड़े हो जाइए। हमारे तेनाली जी हमें सलाह देना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई और उनकी सलाह सुने। जी जापना। ए वासु, हमें सेवक की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पहले कभी महल में इनको देखा नहीं। तो ठीक है, हमने सोच लिया है, हम शंभू और अनारकली चोर बनेंगे, वासु सलीम और बलदेव जी सिपाही बनेंगे। आप तीनों को हम तीनों को पकड़ना होगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले अनारकली को मैं पकड़ूंगा। सलीम भाई आप इनको, पिताजी शंभू जी को। क्यों शंभू जी? हाँ शंभू पैदाइशी होंगे, वो बोल नहीं सकते हैं। बीरबल आप। झापना, हमने राजा पृथ्वीराज की पहेली का हल ढूंढ निकाला है। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? बीरबल हमें आपसे यही उम्मीद थी, बताइए बताइए हल क्या है? झापना, उन्होंने हमसे कहा था कि रेत और शक्कर के मिश्रण से शक्कर अलग करके दिखाए, हम उस मिश्रण में ढेर सारी चीटियां छोड़ देंगे, चीटियां सिर्फ शक्कर अलग करके ले जाएंगी। वाह वाह बीरबल वाह, क्या कमाल का हल निकाला है आपने। अभी उस बच्चे पृथ्वीराज को ये झापना, अभी नहीं, चींटियों को ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ तो चींटियों से कहिए ना कि थोड़ा सा हाँ क्या कहेंगे, बात तो आपकी सही है, वक्त तो लगेगा। ठीक है, तब तक हम इसी तरह ही सेवक बने रहते हैं। अभी तक नहीं मिली, हमने तो अनारकली को
इस बक्से में ही छुपाया था। यही तो था वो बक्सा, यही रखा गया था। हमने अनारकली को खुद इसमें बंद किया था। बलदेव जी, सारे सिपाहियों से कहिए कि महल का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारे और अनारकली को ढूंढ लाए। ठीक है राजा बीरबल। बीरबल जी, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हमारी अनारकली नहीं मिली और ना ही किसी ने यहाँ पे कोई बक्सा देखा। राजा पृथ्वीराज जी, क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई बक्सा था और उसी बक्से में आपने अनारकली को छिपाया? हाँ, हमें अच्छे से याद है। हमें कहाँ गया था, यहाँ पे एक बक्सा रखा होगा, उसमें हम अनारकली को छुपा दे। आपको कहाँ गया था, किसने कहा आपसे? हमारे तेनाली ने हमें सलाह दी थी कि यहाँ पे एक बक्सा रखा होगा, उसमें हम अनारकली को छुपा दे ताकि कोई सिपाही से ढूंढ ना पाए और हम ये खेल जीत जाएं।